बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम। रोज़ाना वाकियात सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एक दिन हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाहु अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाहु अन्हु के घर की तरफ तशरीफ़ लेकर जा रहे थे, तो हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाहु अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे चल रहे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों की तादाद गिन रहे थे। ताकि मैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपना पाक चेहरा अनवर मोड़कर यह मामला देखा तो मुस्कुराकर पूछा, ए उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु, क्या कर रहे हो? हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम गिन रहा हूँ ताकि इतने ग़ुलाम आज़ाद करो। दावत ख़त्म होने के बाद हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हु ने ऐसा ही किया और इतने ही ग़ुलाम आज़ाद किए। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु इस दावत से मुतासिर हुए और घर आकर हज़रत फ़ातिमतुज़्ज़हरा रज़ी अल्लाहु अन्हा से इस दावत का ज़िक्र किया। हज़रत फ़ातिमतुज़्ज़हरा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने फ़रमाया, अली रज़ी अल्लाहु अन्हु, अगर तुम चाहते हो तो ठीक है, तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके असहाब को बुलाओ और मैं दावत के लिए कुछ पका लूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु के जाने के बाद हज़रत फ़ातिमतुज़्ज़हरा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने वज़ू किया और अल्लाह ताला के हजूर सरबसजूद हो गए और दुआ मांगने लगे, ए अल्लाह, तेरी बंदी फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने तेरे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके असहाब की दावत की है। तेरी बंदी का सिर्फ़ और सिर्फ तुझ पर भरोसा है, लिहाजा ए मेरे मालिक व खालिक, आज तू फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा की लाज रख ले और इस दावत के लिए खानों का इंतज़ाम आलम गैब से फरमा। सईदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने यह दुआ मांग के हांडियों को चूल्हों पर रख दिया। अल्लाह के फजल व करम से तमाम हांडियाँ रंग बरंग के खानों से भरी पड़ी थीं। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के साथ तशरीफ़ ले आए तो हज़रत फ़ातिमतुज़्ज़हरा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने हांडियों से ढक्कन उठाकर खाना डालना शुरू किया। असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने की खुशबू से हैरान रह गए। जब सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने खाना खाया तो खानों की लज़त ने मज़ीद हैरान कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन को हैरान देखकर फरमाया, हैरान हो रहे हो, तुम्हें मालूम है खाना कहाँ से आया है? तमाम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने जवाब दिया, अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर जानते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने यह खाना हम लोगों के लिए जन्नत से मंगवा कर दावत की है। इसके बाद हज़रत फ़ातिमतुज़्ज़हरा रज़ी अल्लाहु अन्हा फिर सरबसजूद हो गईं और इस तरह दुआ मांगने लगें, ए मेरे मालिक, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु ने तेरे महबूब के हर हर कदम के बदले एक ग़ुलाम आज़ाद फरमाया है। फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा के पास इतनी इस्तेआत नहीं कि वह ग़ुलाम आज़ाद करे। अब मेरे रब, तूने पहले भी मेरी लाज रखी और जन्नत से भेज दिया, अब तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना जितने कदम चलकर मेरे घर आए, इतने ही सरकार दो आलम के उम्मती जहन्नुम की आग से आज़ाद फरमाए। इधर सईदा फ़ातिमतुज़्ज़हरा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने इस दुआ से फारिग हुई, उधर जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम वही लेकर बारगाह खैरुल अनाम हाजिर हो गए और बशारत सुनाने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने आपके हर कदम के बदले 1000 गुनाहगार उम्मतियों को बख्श दिया और जहन्नुम से आज़ादी अता कर दी है। मज़ीद ऐसी ही वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।